अंदर प्रदूषण की समस्या पहले इतनी समस्या कभी नहीं हुआ करती थी। और मैं इतना बताना चाहता हूं कि केजरीवाल सरकार ने दिल्ली में आने के बाद एक सेल्स टैक्स लगाया प्रदूषण पर, जो ट्रैफिक कतार से दिल्ली के अंदर आता है और वो टैक्स की राशि को मिलाकर 768 करोड़ रुपए की राशि दिल्ली सरकार के पास है। और वो टैक्स इसलिए लगाया गया कि दिल्ली के अंदर जो प्रदूषण फैलेगा तो जो टैक्स से हमें राशि प्राप्त होगी उस प्राप्त राशि को हम प्रदूषण की रोकथाम के लिए लगाएंगे। और आप सब जानते हैं कि केजरीवाल केवल आरोप प्रत्यारोप की राजनीति के अलावा कुछ नहीं किया। उसने केवल पंजाब सरकार और हरियाणा सरकार को क्लेम की राजनीति की कि जो पराली जल रही है उसके कारण दिल्ली के अंदर प्रदूषण फैल रहा है, जो पंजाब के अंदर पराली जल रही है उसके कारण दिल्ली के अंदर प्रदूषण फैल रहा है। और आप सभी जानते हैं कि एक लोगों का आयुर्वास करने के लिए कभी आईटीओ की बिल्डिंग से पानी का छिड़काव करा देना, कभी फायर की गाड़ी से पेड़ों पर छिड़काव करा देने से प्रदूषण दूर नहीं होता। एक इस प्रकार की नीति जो कि देश के जो दिल्ली के मुख्यमंत्री को बनानी चाहिए थी, आज 4 साल हो गए, एक भी नीति उन्होंने इस प्रकार की नहीं बनाई। और दिल्ली के अंदर हर 30 मिनट के अंदर एक व्यक्ति की प्रदूषण के कारण मौत होती है। और आज केजरीवाल इस बात पर गंभीर नहीं है। हम इस मंच के माध्यम से कहना चाहते हैं जो दिल्ली सरकार के लोगों के द्वारा जो प्रदूषण पर टैक्स दिया जाता है जिसकी राशि 768 करोड़ रुपए की है, उस राशि को प्रदूषण से मुक्त करने के लिए उस राशि को दिल्ली के अंदर खर्च करना चाहिए। लेकिन उस राशि को विज्ञापन में खर्च करते हैं, मात्र दिखाने के लिए खर्च करते हैं। आज हमारे केंद्रीय मंत्री विजय गोयल जी के नेतृत्व में धरने का आयोजन किया है। मैं सभी मीडिया बंधुओं को बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत बधाई देता हूँ। सभी मंच पर विराजमान सभी लोगों को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। आपने मुझे बोलने का मौका दिया जेपी जी, मैं आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। जय हिंद, जय भारत।